बड़ी. सो वी रेंटेड अ बाइक एंड गोइंग टू मणिकरण फर्स्ट. उसके बाद हम तोश जाएंगे और तोश के आगे देखते हैं फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं. पहले अभी तो हमारा प्लान है कि हम मणिकरण जा रहे हैं. वी रेंटेड अ बाइक फॉर रुपीज 700 and 250 का. उन्होंने ही पेट्रोल डाला क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप है नहीं आसपास. तो या अभी लेट्स गो. सो वी हैव रीच्ड तोश और तोश में देर इज़ अ कैफ़े विच इज़ वेरी फेमस. लाइक मुझे लग रहा है ये वही है बट आई एम नॉट श्योर. गूगल मैप के सहारे हम आ तो गए हैं. अभी यहाँ पे ऐसा पैदल चल के थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ों में ऑब्वियसली आप रास्ता थोड़ा सा कभी कभी भटक जाते हैं. और हमारे साथ भी वही हुआ है. हम शायद इस तरफ कहीं हमने गाड़ी पार्क कर दी नीचे और अब हम चल के जा रहे हैं. सो पता नहीं है कितना दूर है और ये रास्ता भी ऐसा लग रहा है ऐसे घोड़े खच्चर जाते होंगे क्योंकि यहीं से खीरगंगा ट्रैक भी होता है आगे से. तो या अभी बिल्कुल ऐसे सांसें चढ़ गई है थोड़ा सा चल के क्योंकि इसे चढ़ाई है बहुत ज़्यादा. हाँ चलते हैं लेट्स गो. ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर कम्स ईजीली. गुड थिंग्स नेवर कम ईजीली. दैट्स वॉट. चलते हैं धीरे धीरे. ओके एवरीबॉडी
टू सो किचन जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे स्पेशली, लाइक देखते देखते तोश पे ऐसे घूमते घूमते देखते देखते हम फाइनली पहुंच गए, और मेरी ड्रेस में भी आउटफिट में भी परिवर्तन हो गया है. तो दिस कैफे इज क्लोज सिंस अ फ्यू डेज, बट हम जैसे हम दोनों को देखा, उन्होंने सिर्फ दो ही लोग हैं, तो डिसाइड किया कि आप आ सकते हो, बैठ सकते हो. सो वी आर गोइंग टू सिट हियर फॉर अ वाइल, आराम से 2 घंटे बैठेंगे, चिल करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे. जो सुकून कसोल में नहीं मिल पा रहा था ना, वो सुकून यहाँ मिल रहा है. आई मीन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सही लग रहा है, और नज़ारा इतना सुंदर है. तो वी ऑर्डर्ड हमस एंड पिटा ब्रेड, जो कि इनका जो सोल किचन नाम ही है. तो दिस एवरीथिंग दे फ्रेशली मेड, एवरीथिंग इज़ फ्रेशली मेड, सो हमस बहुत अच्छा दिख रहा है. एंड सेकेंड थिंग इज़ पिटा ब्रेड, जो कि मैदे वाली बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने एक आटे वाली बनाई है. वेरी एक्साइटेड टू ट्राई, करी करूँ एक सेकेंड पकड़ पहले मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है. एक्चुअली आई एम वेरी हंग्री. सो एवरीबॉडी, सो अब हम सोल किचन से, मतलब ये तोश से हम वापस जा रहे हैं. एक्चुअली यहाँ पर ही सारे ये जो विलेजेस पड़ते हैं, कलगा पुलगा और ये छोटे छोटे विलेजेस आते हैं. व्हेन यू गो टू खीर गंगा ट्रैक, तब रास्ते में आपको ये छोटे छोटे सारे विलेजेस आते हैं. बट यहाँ पे गाय और खच्चरों का बहुत प्रकोप है. अभी हमें नीचे घोड़े खच्चर दिख रहे हैं, क्योंकि यहीं से साइड हो जा फिर तू, अभी साइड हो जा या नीचे आके साइड. नीचे नहीं है, साइड नहीं है, नीचे ऊपर ही रहे. तू डरना मत, कुछ नहीं, मैं गिर जाऊंगी तारिका, तू डरेगी तो कुछ नहीं करेंगे. तू मत करना यार, ऐसे मैं गिर जाऊंगी, कुछ नहीं करेंगे वो लोग, अपना चुपचाप चले जाएंगे. तू इतना दूर है, बाप रे, हम लोग के तो वहां पे बाजू बाजू से जा रहे थे चार धाम में. हट भाई, तेरे कारण मैं पूरी पूरी हो रही हूँ. फट लेती है तारिका की तो भैया, एकदम ही फट लेती है किसी जानवर से. हो गए गए सब, चल. कितनी डरती है आप, बिल्ली से भी डरती है, कुत्ते से भी डरती है. बिल्ली से तो खैर मैं भी थोड़ा सा डरती हूँ, बट तारिका हर जानवर से डरती है, हर एनिमल से तारिका डरती है. मतलब कोई एक ऐसा एनिमल नहीं होगा जिससे वो नहीं डरती है. देर इज नो वन इन दिस प्लानट अर्थ जिससे वो ना डरे. वो इवन छिपकली से भी डरती है, सब चीज़ों से डरती है. मेरे को लगता है चींटी से भी डरती है. तो हाँ देख, पागल है क्या बोल रही, इसको बस कुछ भी बोलो तो पागल है क्या, पागल तू पागल है. चींटी से हाँ नहीं पता चले, तू चींटी से भी डरती हो, तेरा कोई भरोसा है क्या एनिमल से. बाय द वे अब हम नीचे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी है. तो जी ये हमारी गाड़ी है, कर लिया अपना ड्रेस भी चेंज. अब हम बस रेडी होंगे, हेलमेट लगाएंगे और निकलेंगे टुवर्ड्स कसोल, क्योंकि हमारी आज इवनिंग में है बस टू दिल्ली. तो या डालो भाई हेलमेट, चलो जी चलते हैं. चलना पड़ेगा, बट आपको जाने के लिए कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं. मतलब ऐसे चलना हाइक जैसा हो जाता है थोड़ा सा, सो दैट इज़ टायरिंग. बट द व्यू फ्रॉम सोल किचन इज़ रियली गुड. इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर 2-3 डेज, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कसोल में रुकने की जगह आप यहाँ पर रुको. देर आर सो मैनी होम स्टेज, आप अपना सामान वामान यहाँ पे, अगर आप नहीं, ज़्यादा सामान है आप नहीं कैरी कर सकते, तो आपको खच्चर भी मिल जाएगा, उनसे आप कैरी करा के ऊपर कलगा पुलगा, ये सारे छोटे छोटे विलेजेस है तोश, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे होम स्टे मिल जाएंगे. मस्त वहाँ पे रहो, 2 दिन चिल करो. मुझे लगता है कसोल से बेटर ये जगह है स्टे करने के लिए. सो यार अभी हम निकलते हैं, लेट्स गो. 40-45 मिनट लगेंगे. वैसे तो कसोल में बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बट ये कैफ़े मेरे वाइब का था, क्योंकि यहाँ का एम्बियंस बहुत ही सॉफ्ट, लाइटिंग और बहुत अच्छा था, और रिव्यूज़ में मैंने देखा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के, तो हमें पिज़्ज़ा की क्रेविंग भी हो रही थी. वी वेंट ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा और साथ में कुछ ड्रिंक. थोड़ा सा महंगा है, प्राइजी है थोड़ा, बट वर्थ था. The next. Hello everybody. So now we are going to Chalal village, जो कि कसोल से is नियर बाय ओनली और 1.5 किलोमीटर है. तो आपको ये वाला ब्रिज जिस पे हम चल रहे हैं ये क्रॉस करके जाना पड़ता है. अक्रॉस दिस ब्रिज, हाय. ओके,
एंड एज यू नो कसौल को हिप्पी विलेज बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको ऐसे हिप्पी टाइप के लोग ही ज़्यादा नज़र आएंगे. एंड रिवर का जो फ्लो है, ओ गॉड दिस इज़ क्रेजी. चलते हैं, पर गंदगी बहुत ज़्यादा है. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी 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 डिसअपॉइंटेड बाय द मेस वी ह्यूमन क्रिएट एवरीवेयर वी गो. सो सैड बट ट्रू, क्या बोल सकते हैं. अभी लोगों को समझ ही नहीं आता है, कब आएगा समझ पता नहीं. सच्ची बताऊँ ना गाइस, तो छलाल विलेज पहुँचते पहुँचते मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा और इतनी ज़्यादा ऐसी वाइब है ना. मैं इस तरीके से मुझे वाइब मैं इंजॉय नहीं करती हूँ, लाइक स्मोकिंग एंड ऑल दैट. आप समझ सकते हो कसोल की वाइब मेरे वाइब का नहीं था, तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था. बट रिवर बहुत ही अच्छी लग रही थी, नज़ारे नेचर बहुत अच्छा लग रहा था, वो देख के हम फिर वापस पलट लिए. छलाल विलेज तक पूरा ऊपर नहीं गए हम, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी. बट इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ अ वाइब, देन आप थोड़ा आगे तक जा सकते हो. वहाँ पर कुछ कैफेज़ हैं, कुछ होम स्टेज हैं. सो या यहाँ से हम वापस आए, और वापस आते आते हम चले गए कसोल मार्केट, जिसको द बिगेस्ट हिप्पी मार्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है. और लिटरली इट इज़, क्योंकि यहाँ एंटर करते ही आपको चारों तरफ ऐसे हिप्पी वाले कपड़े, बहुत सारे विंटर के कपड़े, क्लोथ्स, सॉक्स, एक्सेसरीज एंड वॉट नॉट. सिल्वर ज्वेलरी का भी ये काफ़ी बड़ा मार्केट है, क्योंकि ऑब्वियसली हिप्पीज लोगों को आपने देखा होगा नोज पियर्सिंग एंड उस तरीके की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, विच इज़ गुड, आई लाइक इट टू. सो मार्केट बहुत अच्छा वॉक लिया हमने, लास्ट मार्केट तक पूरा वॉक लिया, और उसके बाद वी फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा हंग्री फील हो रहा है, क्योंकि इतना लंबा चल के आए थे हम. छलाल विलेज तक गए, उसके बाद वापस आए, फिर मार्केट एक्सप्लोर किया, तो हमने कहीं पर बैठ के थोड़े से मोमोज खाए, और उसके बाद वी वेंट बैक टू आवर हॉस्टल. एंड या वी आर स्टेइंग इन द हॉस्टलर, जहाँ पर हमने एक रूम बुक किया है. तो या आपको हॉस्टल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि यू कैन चेक इट आउट ऑन वेबसाइट booking.com या hostelworld.com. आप कहीं पर भी देख सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हॉस्टल. बाकी इससे भी अच्छे अच्छे, कई अच्छे अच्छे हॉस्टल है कसौल में. रेंट वाइज मुझे द हॉस्टलर काफ़ी महंगा लगा, और आपको इससे भी कम रेट में अच्छे अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे कसोल में. सो या यू कैन चेक इट आउट, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके एवरीबॉडी, सो दिस इज इट अबाउट दिस कसोल व्लॉग, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू आर कमिंग लाइक एनी टाइम नियर बाय, लाइक मानसून तो आई वॉन्ट रिकमेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बसेस डिले होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, लैंडस्लाइड होता है पहाड़ों में. तो या यू कैन टेक दिस वीडियो फॉर अपकमिंग विंटर सीजन एंड प्लेसेस टू विजिट नियर बाय कसोल. एंड इन कसोल आई हैव मैंशन एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव एक्सप्लोर्ड. सो या होपफुली यू लाइक इट. इफ़ यू डिड, don't forget to like, share and subscribe to my channel. We'll see you with another video very very soon. Till then, tata, bye bye, namaste.